हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड मस्ती मैजिक। इस वीडियो में आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं एक करी। यस, इसे एक मसाला करी भी कह सकते हैं। ये थोड़ा थिक कंसिस्टेंसी में हम बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी ग्रेवी लगती है। आप लोग इसे ज़रूर बनाएं और इन्जॉय करें चपाती के साथ या राइस के साथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस ऐसे बॉईल, हमने यहाँ पे 7 बॉईल एग्स लिए हैं। अब हम इसको ऐसे तरह से कट लगाएंगे इस तरह से, ताकि मसाला हमारा अच्छी तरह से अंदर चला जाए और अंडों में वो टेस्ट आ जाए। ये देखिए, इस तरह से हमने सारे अंडों को कट लगा लिया है। तो हम पैन में थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे, अराउंड 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल हम इसमें डाल देंगे। फ्लेम को हमने लो रखना है और इसमें हम थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा लाल मिर्च डाल देंगे। बस इसमें अभी हम इसे मिक्स करके इसमें अंडों को और इसे हम अच्छी तरह से इस मसाले में कोट करेंगे। ऊपर से हमें इस पर सॉल्ट स्प्रिंकल करना है। इससे होगा कि एग्स में एक बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और इसका क्रिस्पीनेस जो होता है, ये एग ये करी में बहुत ही अच्छा लगता है। इस स्टेप को आप ज़रूर फॉलो करें, इसे स्किप ना करें। ये देखिए, ये हो गया है, मसाला अच्छी तरह से लग गया है इसे, और ये फ्राई भी हो गए। अब हम इसे निकाल देंगे, फ्लेम को हम बंद कर देते हैं और हम इसे निकाल देंगे इस प्लेट में इस तरह से। तो अभी हम यहाँ पे ग्रेवी तैयार करते हैं। तो सबसे बड़े पैन में हम ऑयल डालेंगे। इसमें डालेंगे हम 1 तेज़पत्ता और दालचीनी का एक टुकड़ा। अब हम इसमें डालेंगे चॉप्ड की ऑनियन, 2 मीडियम साइज की ऑनियन लिए हमने यहाँ पे, इसे हमने इसे फाइनली चॉप किया है। इसे हमें लाइट ब्राउन से थोड़ा ज़्यादा ब्राउन होने तक इसमें फ्राई करना है। ये देखिए, प्याज हमारी अच्छी तरह से ब्राउन हो गई है, लाइट ब्राउन से थोड़ा ज़्यादा। जब इसमें से खुशबू आना स्टार्ट होती है, तब आप समझ जाना कि आपकी प्याज बहुत अच्छी तरह से फ्राई हुई है। और प्याज भूनते वक्त आपको बिल्कुल भी इधर उधर नहीं जाना है, पूरा ध्यान आपका प्याज पे ही होना चाहिए, अदरवाइज़ वो जल जाती है। तो अब हम इसमें डाल देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून, इसे थोड़ा सा भून लेंगे। इसके साथ हम सूखे मसाले, हल्दी डालेंगे 1/2 टीस्पून और रेड चिली पाउडर डालेंगे 2 टीस्पून। धनिया पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। और इसमें डालेंगे गरम मसाला 1/2 टीस्पून। बस इसे हमने अच्छी तरह से भून लिया है। ये देखिए, मसाला अच्छी तरह से भून गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटो प्यूरी। ये हमने 2 टमाटर का ग्राइंड करके इसका प्यूरी बना दिया है। अभी हम इस टमाटर को इसमें अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखिए, हमने इसमें थोड़ा सा बाउल में
पानी ऐड करके टमाटर को इसमें निकाल दिया है, तो थोड़ा पानी इसमें ऐड हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसे कवर करके इसे हमने ऑयल के रिलीज होने तक यानी 5 to 6 मिनट्स तक कुक करेंगे हम लो फ्लेम पे, मीडियम टू लो फ्लेम पे। चलिए अब इसे चेक करते हैं। ये देखिए टमाटर अच्छी तरह से भून गए हैं, इसमें ऑयल रिलीज हो गया है थोड़ा सा। हमने इसे 2 मिनट तक क्लोज कर कर और कवर कर कर और बाकी के 3 मिनट हमने इसे ओपन कर कर इसे भुना है। अब हम फ्लेम को लो करेंगे और इसमें ऐड करेंगे हम ये दही। अराउंड हाफ कप ऑफ दही लिया है हमने यहाँ पे, यानी 100 ग्राम दही लिया है। बस इसे हम इमीडिएटली अच्छे से इसमें स्टर कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे ताकि दही हमारा अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें, अदरवाइज़ वो दही का अलग से लम्स हो जाते हैं इसमें। इसलिए आप चाहें तो इसे लो फ्लेम करके ठंडा करके दही मिक्स करें। देखिए मसाले में दही बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हमने दही के बाउल में भी थोड़ा सा पानी ऐड किया है और इसे अच्छी तरह से साफ करते हुए इसे हम ऐड डाल देंगे पानी। फ्लेम को हाई करेंगे और इसे हम अच्छी तरह से और भून लेंगे। हम लो फ्लेम कर इसे कवर करके और 3 to 4 मिनट्स तक इसे भून लेंगे इस तरह से कवर कर। ये देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे चेक करेंगे। वाओ ये देखिए कितना अच्छा सा ऑयल रिलीज हुआ है, मतलब हमारा मसाला बहुत अच्छी तरह से भून गया है इसमें। तो अब हम इसमें थोड़े कुछ बचे हुए हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो इसमें डाल देंगे, जैसे कि हम इसमें डालेंगे सॉल्ट, हमने इसमें नमक ऐड नहीं किया था अभी तक। टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट डाल देंगे हम, यहाँ 2 ग्रीन चिलीज डाल देंगे और ये जो एग्स हमने यहाँ पे मसाले में फ्राई कर लिया था वो इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए अभी जो मसाला इसमें बचा है, अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर इसमें हम पानी इसमें वो डाल देंगे क्योंकि हमें इसमें पानी ऐड करना ही है। ये देखिए तो चलो इसमें हम पानी और हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, थोड़ा सा हाथों में क्रश करके हमने इसमें डाल देना है। इससे आपको बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, ढाबा स्टाइल का आपको लगेगा ये अंडा करी। इसमें आपको जितना पानी ऐड करना है आप इसमें ऐड कर दें, अभी जितना कंसिस्टेंसी आपको रखना है लिक्विड या थिक अभी इस पॉइंट पे आप ऐड कर दें। और अब इसे कवर करके लो फ्लेम पे हम और 3 to 4 मिनट्स तक कुक करेंगे। अब हम चेक करते हैं, ये देखिए वाह बहुत ही अच्छा ऑयल रिलीज हो गया है, बहुत ही अच्छी ग्रेवी हमारी तैयार हुई है। अब हम इसे सर्व करेंगे।
उसे गार्निश करेंगे धनिया से। ये रेडी है हमारा एग ग्रेवी, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी एग ग्रेवी। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करना, ज़रूर बनाना, बहुत पसंद आएगा आप लोगों को ये हमारी डिश। देखिए इसे एक मसाला कहे या एक ग्रेवी, आप लोग भी इसे ज़रूर बनाना और कमेंट कर बताना कैसी बनी आपकी ये डिश। और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड्स फैमिलीज के साथ शेयर ज़रूर करना और बेल आइकन प्रेस करना ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नई और मज़ेदार यूनिक रेसिपी के साथ। तो फिर मिलते हैं, बाय बाय।